बीमारियां दो प्रकार की होती है, वे जिनकी उत्पत्ति किसी जीवाणु बैक्टीरिया पैथोजन वायरस फंगस आदि से होती है, उदाहरणार्थ क्षय रोग टीबी टाइफाइड टिटनेस मलेरिया निमोनिया आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता परीक्षण से आसानी से लग जाता है। और दूसरी, वे जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीवाणु बैक्टीरिया पैथोजन वायरस फंगस आदि से कभी भी नहीं होती, उदाहरणार्थ आम्लपित्त दमा गाठिया जोड़ों का दर्द कर्क रोग कब्ज बवासीर मधुमेह हृदय रोग बवासीर भगंदर रक्तसार रक्तार्श आदि सीसी सिरदर्द प्रोस्टेस आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं लग पाता जब तक हमारे शरीर में वात पित्त कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। यदि संतुलन कहीं ज्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना, इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग 40 प्रकार के पित्त रोग व 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या व ऋतुचर्या के अनुसार न करना, विरुद्ध आहार का सेवन, रिफाइंड तेल रिफाइंड नमक चीनी व मैदा आदि का सेवन, मिलावटी दूध घी मसाले तेल इत्यादि का सेवन, अनाज दालें फल सब्जियां यदि इत्यादि में छिड़के गए रासायनिक खाद कीटकनाशक व जंतुनाशक यदि इत्यादि का शरीर में पहुंचना, प्राकृतिक नैसर्गिक वेगों को भूख प्यास मलमूत्र निष्कासन आदि रोकना, विकारों क्रोध द्वेष अहंकार आदि को पनपने देना। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटे में नैसर्गिक भूख दिन में केवल दो बार लगती है, सूर्योदय से 2 घंटे तक आदि और दूसरी सूर्यास्त के पहले। पेट जठर सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता से काम करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट की जठर अग्नि तीव्र होती है, इसीलिए भोजन सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे, वे अच्छी तरह से उपवास के वैज्ञानिक महत्व को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने समय समय पर व विशेष रूप से बारिश के मौसम में धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा स्थापित की, क्योंकि बारिश के 3-4 महीने सूर्योदय ठीक से नहीं होता और सूर्योदय तथा भूख का गहरा नाता है। उपवास करने से यदि पेट घटे बिना भोजन के कण रखा जाए तो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास के दिन शरीर का तापमान 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि में बहुत कमी आ जाती है। जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता आती है व कफ का स्थान शरीर में हृदय से सिर तक है। इस प्रधानता के अंतर्गत बहुत भूख लगती है व अधिक नींद भी आती है। आयु के 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पित्त की प्रधानता रहती है व पित्त का स्थान हमारे शरीर में हृदय से नाभि तक है। ऐसे प्रकार आयु के 50 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वात की प्रधानता रहती है व वात का स्थान शरीर में नाभि से नीचे पैरों तक है। हमारी पाचन संस्था में 2 चक्किया है जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती है कि जिससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रस से संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पच जाए। हली चक्की और दांत है जो भोजन को 80% तक पीसते हैं व दूसरी चक्की पेट का ऊपरी भाग है जिसे फंडस कहते हैं जो भोजन को केवल 20% पीस सकता है। यदि भोजन दांतों की सहायता से ठीक से न चबाया जाए तो भोजन का काफी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा, परिणाम स्वरूप कब्ज व बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा होती है। जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश व पवन का स्पर्श न मिले वह भोजन विष के समान है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। भोजन पकते सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए बर्तन को बिना ढके भोजन का पकाना होगा और बिना ढके पकाने से हवा का दबाव सामान्य रहता है, परिणाम स्वरूप प्रोटीन खराब नहीं होते। प्रेशर कुकर के अंदर भोजन पकाते समय हवा का दबाव वातावरण से दुगुना हो जाता है और वह तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप दाल और सब्जी के प्रोटीन हानिकारक प्रोटीन हो जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाई दाल का जब परीक्षण कराया तो 87% प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं व आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं।
उष्णता की कुचालक है, अतः मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को धीरे धीरे उष्णता प्राप्त होती है व परिणाम स्वरूप भोजन के तत्व जैसे दाल सब्जी आदि का प्रोटीन होने पाता व 100% प्रोटीन सुरक्षित रहते हैं। यदि कांसे के बर्तन में पकाया जाए तो कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं व एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाने से 87% प्रोटीन आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं और भोजन में कुछ एल्यूमिनियम की मात्रा भी चली जाएगी जो अनेक बीमारियां भी उदाहरणार्थ पार्किंसन एल्जाइमर आदि को उत्पन्न करेगी। मिट्टी के अंदर शरीर को आवश्यक सारे खनिज तत्व है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से मिट्टी का कुछ अंश भोजन में चला जाता है व यह मिट्टी पेट में जाने के बाद घुल जाती है व मिट्टी में उपस्थित सारे तत्व भोजन पचने के बाद रस में मिल जाते हैं व रक्त में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मल मूत्र द्वारा होने वाला खनिजों के द्वारा रक्त में पहुंचते हैं। इस प्रकार मल मूत्र द्वारा होने वाला खनिजों के क्षति की पूर्ति रोज हो जाया करती है व शरीर निरोगी रहता है। मुख्यतः खनिजों की पूर्ति भोज्य पदार्थ अनाज दालें फल सब्जियां आदि के द्वारा होती है। सुबह उठते ही पेशाब करने के बाद बिना मुंह धोए अपनी संतुष्टि तक पानी पिए। रात भर में हमारे मुंह में लाइसोजाइमी नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारी जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया है। यह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन संस्था को रोग के जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे यह पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम 1.5 से 1 लीटर पानी पिए पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा ना बांधी जाए। आपका अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम व शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही अवश्य पीना चाहिए क्योंकि खाना पचने के बाद वह एक रस में रूपांतरित होता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है और इस रस का शोषण यदि पानी वह न हो तो हो ही नहीं सकता। भोजन के तुरंत बाद और भोजन के तुरंत पहले पानी पीना विष के समान है। पानी गुनगुना ही पिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि हम ठंडा पानी पी ले तो हमारे पेट को व पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी भी अवयव से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार रक्त भेजेगा वह अवयव हार्ट अंत किडनी आदि कमजोर हो जाएगा व उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य ही पी सकते हैं। पानी खड़े होकर न पिए, बैठ कर ही पिए व घूंट घूंट पिए क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निकलते हैं तो उसको मुख से पेट तक धीरे धीरे एक क्रमाकुंचन मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुँचाया जाता है। वह मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता लेकिन पानी जब मुँह से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। वह तो पार भर से जमीन पर गिरने वाले झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिए तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट डायफ्राम को कड़ा कर देता है। यदि हम बार बार ऐसे ही पानी पीते रहे तो हमें हार्निया पाइल्स प्रोस्टेट आर्थराइटिस जैसी बीमारियां अवश्य होगी। हमारे शरीर में नींद आना भूख प्यास चिंक मल निष्कासन मूत्र निष्कासन पादना खांसी हंसना रोना हिचकियाना डकार आना जम्माई लेना इत्यादि 14 प्रकार के वेग है। यदि इन वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। हमारी समझ में यह डाल दिया गया है इन वेगों का निकालना जंगलीपन या असभ्यता की निशानी है। इसीलिए आजकल खास करके लड़कियां स्त्री वर्ग व कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक कर्मचारी वर्ग छींकते खांसते इत्यादि समय कम से कम आवाज में व मुंह पर रुमाल रखकर ही छींकते हैं खांसते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की किसी नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए है और ये लोग उसके लाभ को 75% नष्ट कर देते हैं। यह समस्या मल्टीनेशनल की देन है। आज से कुछ दशकों पूर्व जब यह मल्टीनेशनल का कल्चर भारत तक नहीं पहुंचता था लोग सवेरे 10 बजे भरपेट खाना खाकर ऑफिस स्कूल कॉलेज और आदि जाते थे वह शाम को 6 बजे तक घर लौटकर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यालय
अधिक से अधिक 8 घंटे हुआ करता था, अतः वे निरोगी व दीर्घायु थे। आजकल मल्टीनेशनल ने अपने कार्यालय को 8 घंटे से बढ़ाकर 13-14 घंटे तक कर दिया है और उनकी देखा देखी भारत के सभी छोटे बड़े उद्योग करने वाले ने भी कार्यालय काल बढ़ा दिया है। इसके अलावा खास करके शहरों में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आने जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य के पास नींद, भोजन, स्नान आदि के लिए लगभग 8 घंटे बचते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसे रहता है, खुद ही सोच लो। इसी कारण वह आरोग्य से काफी दूर हो जाएगा व दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा। नमक बदल दो। रिफाइंड नमक कभी न खाए। बाजार में मिलने वाले नमक को रिफाइन करने पर उनमें से पोषक तत्व निकल जाते हैं। आयोडीन नमक हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और नपुंसकता बनाता है, वीर्य की ताकत कम करता है। खाने में सदैव काला नमक का सेंधा नमक ले, इससे सोडियम की मात्रा कम होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि का अनुपात बराबर होता है। सेंधा नमक शरीर के अंदर के विष को कम करता है और थायराइड, लकवा एवं मिर्गी जैसे रोगों को दूर रखता है। चीनी ना खाए। चीनी बनाते ही फॉस्फोरस खत्म हो जाता है और एसिड बनता है। एसिड पचता नहीं, चीनी खून को गाढ़ा कर देती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती और पटाखों में भी सल्फर का इस्तेमाल होता है। अगर खाने के बाद चीनी खाए तो आपका भोजन पचने नहीं देगा और आपको 103 बीमारियां होने का खतरा बढ़ेगा। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल ना करें। तेल को रिफाइन करने के लिए उसमें से सारे प्रोटीन निकाल लिए जाते हैं, इसीलिए आप शुद्ध चीज नहीं पर कचरा खाते हैं। रिफाइंड तेल काफी रोगों का कारण बनता है। इस तेल में पाम तेल भी डाला जाता है जो खतरनाक है। खाने में हमेशा शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें। घानी का तेल खाने में श्रेष्ठ है। शुद्ध तेल वायु को शांत करने में मदद करता है। मैदा से बनी वस्तुओं का सेवन कभी ना करें। मैदा गेहूं से ही बनता है पर मैदे में से सारे आवश्यक फाइबर निकाल लिए जाते हैं। नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट वगैरह कभी ना खाए जो सड़े हुए मैदे से बनते हैं। मैदे की रोटी रबर जैसी होती है जो खाने के बाद अंतों में चिपक जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगली नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।